फ्रेंड्स, मैं हूं बुरहान हरमुख 360 से, और आज हम निकले हैं दो वैलीज को एक्सप्लोर करने। वो दो खूबसूरत वैली जो है वो है, एक है अर्शन वैली और दूसरी है फंबर वैली। तो ये इस टाइम हम सिंथन टॉप पे मौजूद हैं। ये है सिंथन टॉप और यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है। ये है हमारा ट्रेल जहाँ से हमें जाना है। तो इस दौरान हम तकरीबन 4 या 5 लेक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे इन दो वैलीज में, अर्शन वैली और फंबर वैली। क्योंकि अर्शन वैली जो है ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आता है, और जो फंबर वैली है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आता है। तो हमारे साथ आप बने रहे, हम इन दो वैलीज को एक्सप्लोर करेंगे। हमारा ट्रैक रहेगा जहाँ से हमें जाना है, तकरीबन 5 किलोमीटर का ट्रैल है एक साइड से, 5 या 5.5 किलोमीटर। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं अर्शन वैली और फिर फंबर वैली। फ्रेंड्स, ये जो आप एक खूबसूरत वादी देख रहे हैं, ये है अर्शन वैली। सिंथन टॉप से हमें 1 घंटा हो गया निकलते हुए, और 1 घंटे के बाद हम इस खूबसूरत वादी में पहुंचते हैं जिसके आप विजुअल देख रहे हो। ये है अर्शन वैली, और यहाँ से हमें ये पहाड़ी चढ़नी है, फिर अर्शन वैली के बाद फंबर वैली। फंबर वैली में 3 लेक्स हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो आज 23 सितंबर 2024, और आप बराए रास्त ये विजुअल्स देख रहे हो अर्शन वैली से। तो फाइनली हम पहले लेक पे पहुंच गए। तो ये है आपके सामने ब्यूटीफुल लेक, अर्शन लेक, ब्यूटीफुल स्टनिंग अर्शन लेक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। ये है सलमान भाई और ये बिलाल भाई, ये भी पहुंच गए लेक पे। तो कुछ इस तरह के विजुअल्स ये आप देख सकते हो अर्शन लेक से, और यहाँ नीचे अर्शन वैली। तो अर्शन वैली के टॉप पे ये लेक है, अर्शन लेक। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव डन इट, फाइनली वी आर एट द फर्स्ट लेक, दैट्स अर्शन लेक। ओह ब्यूटीफुल स्टनिंग। फ्रंट से आप देख सकते हो यहाँ का टेरेन कैसा है, बहुत स्टीप है, और
ये बड़े बड़े जो रॉक्स हैं इनके बीच में हमें गुजरना पड़ रहा है। तो अर्शन वैली से हम निकले, अर्शन लेक से अब हम जा रहे हैं फंबर वैली की तरफ और वहाँ की लेक्स उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो ऊपर तक सिर्फ ये पत्थर ही पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर, और इन्हीं पत्थरों के बीच में हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। तो आप वीडियो में जुड़े रहे, आधा घंटा लगे हो गया हमें फंबर वैली तक, तब तक आप इसी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अभी हम इस माउंटेन के टॉप पे बैठे हैं और इस टॉप से आप ये लेक का व्यू देख सकते हो। और आज 23 सितंबर 2024 और यहाँ से पूरे ये जो पहाड़ हैं ये सूखे पड़े हैं, ग्रीनरी जो है वो खत्म हो गई है। अभी हमारे नीचे वैली में ग्रीनरी है पर यहाँ पे पूरी तरह से सूख गए ये पहाड़। और यहाँ से दूसरा लेक इन पहाड़ों के बीच में, हिमालयाज के बीच में, और दूर दूर से आप वो बर्फीले पहाड़ देख सकते हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़। अभी सितंबर में अभी बर्फ पे मौजूद है, ये है ग्रेटर हिमालयन रेंज। तो ये आप ग्रेटर हिमालयन रेंज यहाँ से देख सकते हो, और ये है फंबर वैली, कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की फंबर वैली। बहुत खूबसूरत, अमेजिंग, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कितनी खूबसूरत विजुअल्स हैं यहाँ से। आप तीन लेक्स देख सकते हो, ये बड़ा लेक बिलाल भाई ये कौन है, जेडनाग, निदनाग नहीं है, जेडनाग, यह है जेडनाग, यह है निहनाग, और ये आप दो लेक्स देख रहे हो फंबर वैली में। और अगर मैं कैमरा यहाँ से घुमाऊँगा तो यहाँ से वो है अर्शन सर, तो ये है अर्शन वैली। तो अर्शन वैली यहाँ से फंबर वैली, तो इनके बीच में हम इस टॉप पे खड़े हैं, तो यहाँ से आप ये दोनों वैलीज देख सकते हो, ये है अर्शन वैली और अर्शन वैली के बीच में ये अर्शन सर, और यहाँ जेडनाग और निहनाग फंबर वैली, और ये है सलमान भाई और बिलाल भाई ऊंचाई पे खड़े हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कितनी ऊंची गहरी ये खाई यहाँ से, इसी के ऊपर हम बैठे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम इस लेक से कितने ऊपर हैं, किस आल्टीट्यूड पे हैं हम। तो फ्रेंड्स, जेडनाग और निहनाग में मौजूद है, यहाँ पर हमें तकरीबन एक घंटा होता है, यहाँ हमने चाय बनाई। अब हम निकल रहे हैं चौथे लेक की तरफ, जिसका नाम है नागपत्री। हाँ बिलाल भाई, नागपत्री जी जी हाँ। तो नागपत्री जो है ये चढ़ाई है, ये हमें चढ़नी है। तो वो जो यहाँ पे पास दिखाई दे रहा है उसी पास से हमें जाना है, तो वहाँ से आएगा हमें नागपत्री लेक, तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी आप वीडियो में बने रहे, तो आप उसके विजुअल्स भी दिखाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ रहे हैं नागपत्री लेक की तरफ। तो यहाँ का ट्रेल जो है
ये भी बहुत खतरनाक है। रॉकी टर्न है ये, क्योंकि रॉकी टर्न में से चलना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये रॉक्स फिसल जाते हैं, तो इसलिए देख के कदम रखना होता है। लगा था कि ये जो चोटी है ये जब हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ से लेक आएगा, पर अभी ये चढ़ाई हमें उतरनी है, उसके बाद उस गली में शायद वो लेक आएगा। तो अभी और थोड़ी सी मेहनत है, यहाँ से अब नीचे उतरना है इन पत्थरों के बीच में, फिर वो जो वो आगे वो गली दिखाई दे रही है उसी में शायद लेक है। तो थोड़ी सी मेहनत और करनी है और नीचे जाना है, फिर लेक आएगा। यहाँ से जो आप ये ऊंचाई पीक देख रहे हो ये हैं द स्टैंडिंग नुनकुन पीक। ज़ंस्कार रीजन में ये आते हैं नुनकुन पीक, और आप ये देख रहे हो यहाँ फंबर वैली से। एक्चुअली ये दो पीक्स हैं, नुन और कुन, ट्विन पीक्स, तो इकट्ठे उनको कहते हैं नुनकुन पीक्स। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो फंबर वैली से, और इसके अतराफ में ये बहुत सारे और भी स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ फंबर वैली से इनका व्यू, अमेजिंग व्यू यहाँ से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फ्रेंड्स ये हैं आखिरी चील जिसके तलाश में हम थे, नागपत्री लेक। तो ये पहाड़ों के बीच में ये खाई जैसी, और इसी के बीच में ये खूबसूरत सा ये झील नागपत्री, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो अर्शन वैली से फिर अर्शन लेक, फिर जितनाग, नैनाग, और फिर ये नागपत्री लेक। तो चार लेक्स आज हमने एक्सप्लोर किए, तो ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लेक है। थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स सिंथन टॉप से निकलने के बाद हसीन और दिलकश वादियों से और कुदरत के हसीन नज़ारों को लुत्फानंदोज़ होते हुए हम इस आखिरी झील पर पहुंच गए जिसका नाम है नागपत्री। और इस दौरान हमने और भी लेक्स एक्सप्लोर किए, जिसमें पहला लेक अर्शन लेक था, और फिर जेड नाग और नी नाग, और फाइनली हम इस आखिरी लेक में पहुँच गए जो कि है नागपत्री लेक। बहुत ही खूबसूरत लेक है। तो ओवरऑल जो आज का ये सफ़र, आज का ट्रैक था, वो बहुत खूबसूरत रहा। और इस दौरान हमने दो खूबसूरत वैलीज को भी एक्सप्लोर किया, जिसमें वैली अर्शन वैली और फिर फंबर वैली, जहाँ पे हम ये मौजूद हैं जिसमें ये लेक आते हैं। तो अर्शन वैली हमने एक्सप्लोर किया, उसमें अर्शन लेक, और फिर फंबर वैली जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, इसमें हमने तीन लेक्स एक्सप्लोर किए, जिन्नाग, नैनाग और ये नागपत्री लेक। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, प्यार दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कीजिए और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो यहाँ से अब आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ।